भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में कर्नाटक सरकार, 15 अधिकारियों के 57 ठिकानों पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप। कर्नाटक की नई सरकार करप्शन के खिलाफ एक्शन में है। पुलिस ने 15 सरकारी अधिकारियों के 57 स्थानों पर छापे मारे, सरकारी अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। कर्नाटक में लोकायुक्त अधिकारियों ने बुधवार को 15 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक साथ 57 स्थानों पर छापे मारे। इन अधिकारियों पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। कर्नाटक लोकायुक्त के अनुसार ये छापे 11 जिलों में मारे गए। जिन अधिकारियों के यहाँ छापे मारे गए उनमें बंगलोर बिजली आपूर्ति कंपनी के मुख्य अभियंता H.J. रमेश, कारखाना उप निदेशक, श्रम विभाग T.V. नारायण पा, ग्राम पंचायत सचिव S.D. रंगास्वामी, बेंगलुरु नगर निकाय के कार्यकारी अभियंता प्रमोद कुमार N.G., मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य लेखा अधिकारी N.मुट्टू शामिल है। लोकायुक्त कार्यालय ने बताया कि तलाशी अभियान के पूरा होने के बाद आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मूल्य की गणना की जाएगी। जिन 11 जिलों में छापेमारी की गई उसमें बेंगलोर शहर, बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, शिवमोगा, मंगलौर, उडुपी, हावेरी, कोपला और तुमकुर शामिल है। सबसे ज्यादा बेंगलोर शहर की 14 लोकेशन पर छापेमारी की गई। बेंगलुरु ग्रामीण की 3, मांड्या की 5, मैसूर की 8, चामराजनगर की 3, शिवमोगा की 8, मंगलौर की 4, उडुपी की 2, हावेरी की 3, कोपला की 4 और तुमकुर की 3 लोकेशन पर रेड पड़ी। बताया गया है कि ये अधिकारी BJP सरकार के दौरान बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।